फ्रेंड्स, अगर कोई हमें दिखता है हमारी फैमिली में कोई बीमार है तो हम उसकी हर तरह से हेल्प करते हैं, हर तरह से सेवा कर सकते हैं। अगर कोई चल फिर नहीं सकता, उसको बाथरूम खुद ले जाकर बाथरूम तक लेकर जाते हैं। अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है तो उसकी सिर दबाते हैं, मेडिसिन देते हैं, वॉमिट करता है तब भी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमें दिख रही हैं कि हाँ भाई, सामने वाला पर्सन जो है बीमार है, ये हम पर डिपेंडेंट है। ये होती है फिजिकल डिपेंडेंसी। लेकिन एक और डिपेंडेंसी होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, डेट इज इमोशनल डिपेंडेंसी। हम इमोशनल कई तरह से कई चीजों पर डिपेंडेंट हैं। चाय पर देख लो, बोलो बोलते हैं कि चाय के बगैर तो हमें टॉयलेट ही नहीं आता, हम टॉयलेट चाय के बगैर तो सोच ही नहीं सकते, सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए। कॉफी के बगैर हमें अच्छा नहीं लगता कुछ भी। टीवी देखना, फोन चलाना, ये सब चीजें तो आम है ना, इसको तो हमने लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बना लिया ना कि ये इन चीजों के बगैर तो गुजारा नहीं है जीवन में, ये चीजें तो होनी ही होनी है। तो इससे क्या होता कि मन की शक्ति जो है हमारी कमजोर है। जैसे चाय नहीं ना छोड़ सकते, वैसे कई लोग जो है ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, शराब पीना नहीं छोड़ सकते, स्मोक करना नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि मन की शक्ति कमजोर है। आप चाहे लाख कह दो शराब छोड़ दो, ड्रिंक छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कुछ भी कह दो, अपना स्मोक छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो चोरी चोरी ऐसा करेंगे। और हम खुद तो हम चाय भी नहीं छोड़ सकते, फोन भी नहीं छोड़ सकते। हमें कोई फोन छोड़ने को कहे तो क्या हम छोड़ते हैं? डेट इज ऑल्सो एडिक्शन। हम अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ सकते और दूसरे को कहते हैं ये शराब पीनी छोड़ दो, सिगरेट पीनी छोड़ दो, तो ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। अगर छोटी एडिक्शन हमसे नहीं ना छूट रही तो बड़ी एडिक्शन भी नहीं छूटती किसी से। इसलिए हम सीधा नहीं कहना चाहिए किसी को ये चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको अंदर से शक्तिशाली बनाओ, उसकी हेल्प करो। तो कुछ एक जैसे एक पर्सन बीमार है, उसने सोटी पकड़ी हुई है, हम जोर से उसकी सोटी खींचेंगे तो और सोटी को पकड़ेगा ना, खींचेगा कि नहीं, ये सोटी नहीं मैंने छोड़नी, मैं चल फिर नहीं सकूंगा। लेकिन जब वो खुद ही स्ट्रांग हो गया, स्वस्थ हो गया, तो खुद ही सोटी छोड़ देगा, खुद ही स्टिक को छोड़ देगा। इसलिए उसको अंदर से स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं है ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, उसे कोई नहीं छोड़ता। ये सब झूठ होता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पर्सन जो है छोड़ नहीं पाते। तो इसका क्या कारण होता है कि मेंटल हेल्थ जो हमारी इमोशनल हेल्थ होती है ना, बहुत कमजोर हो चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है। हमारे मन में इतना शोर होता है ना, इतनी अंदर से जो कंटिन्यूअसली मन कुछ ना कुछ सोचता जाता सोचता जाता, हमें पता है मन के अंदर बड़ी हलचल मच रही है, बड़ा शोर हो रहा है, तो हम इस शोर को सुनना ही नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, जॉब से आते हैं, आते टीवी को देखना शुरू कर देते हैं। कोई अपने मन के शोर को महसूस ही नहीं करना चाहते। हमें अच्छा नहीं लगता खुद की बातें सोचना कि अंदर क्या चल रहा है। टीवी देखते हैं, टीवी बंद किया तो फोन पकड़ लिया, फोन बंद किया तो आपस में ऐसे बातें करने लगे, कोई भी किसी की बात कर सकते हैं। चलो बातें करना तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो फोन पकड़ लिया और टीवी देख लिया, क्योंकि तो इससे आपको अपने अंदर की कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी, अंदर क्या चल रहा है, कौन सी थॉट्स चल रही है। हम अंदर से कितने डिपेंडेंट हैं, जैसे फिजिकल डिपेंडेंसी है ना, किसी की हेल्प की जरूरत है, सिमिलरली एक इमोशनल डिपेंडेंसी है। इमोशनल डिपेंडेंसी ऐसे है जैसे हमें कोई लोग बोल जाता है, कोई गलत शब्द हमारे लिए प्रयोग कर जाता है, तो हम सोचते रहते हैं इसने किया क्यों, हमारे लिए ऐसे शब्द किए क्यों। चलो उस बंदे ने सॉरी भी बोल दिया, सॉरी बोलकर बात खत्म हो गई, फिर वो चला भी गया, लेकिन बातें तो यही पड़ी हुई हैं, हमने पकड़ कर रखी हुई है, ऐसा कैसे हो गया। अब सालों साल हम ये बातें नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी एक डिपेंडेंसी है, ये भी इमोशनल वीकनेस का साइन है कि हम ये चीजें छोड़ नहीं पाते। जैसे ये भी एडिक्शन है ना कि हम छोड़ नहीं पाते, बातों को छोड़ नहीं पाते, डेट इज ऑल्सो एडिक्शन। ये सब एडिक्शन के छोटे छोटे जो है ना,
लेवल है जो हमें पता ही नहीं चलते कि ये भी एक एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन जो है हम खुद ही छोड़ सकते हैं, कोई हमसे नहीं छुड़ा सकता। और कई बार तो ऐसा होता कि हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो हम सुनना चाहते हैं फलाना पर्सन हमारे बारे में क्या कह रहा है। अगर अच्छा कह रहा है फिर तो ठीक है, क्या पता वो हमारे लिए बुरा बोल रहा है तो हमें पता चले सही, हम फिर उससे झगड़ा करें। तो ऐसी बातें जो हैं हम सुनते हैं। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। पहले ये वाली एडिक्शन जो है ना, छोटी छोटी एडिक्शन, लोग हमें क्या कहेंगे, या बातें पकड़कर यहाँ बैठे रहना सालों साल, और कोई भी सिचुएशन आ गई मान लो, तो सिचुएशन आते ही ट्रिगर कर जाना और फट से अपना जो है अपना आप लूज करके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ना मुंह पर कंट्रोल ना हाथ पर कंट्रोल। ये सब चीज़ें जो है हमें वीक बनाती हैं, इमोशनली वीक बनाती हैं। जब हम इमोशनली वीक हैं तो हमसे कोई भी एडिक्शन नहीं छूटेगी। अगर एडिक्शन, अगर फैमिली मेंबर में से किसी को छुड़वानी है ना, पहले अपनी एक एडिक्शन छोड़ कर देखो, अपनी विल पावर स्ट्रांग करो, फिर उसको वाइब्स दोगे वो असर करेंगी। खुद तो हम छोटी छोटी एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, और फिर दूसरों को शिक्षा देते हैं ये छोड़ दो, शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो ही करते जाते हैं। वो छोड़ नहीं पाएगा जब तक वो अंदर से स्ट्रांग नहीं ना होगा। कोई भी पर्सन, एडिक्शन कोई भी हो, अगर हम अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो हमसे ये एडिक्शन छूटेगी ही नहीं। बार बार मन उसी तरफ जाएगा जिस तरफ से हमें रोका जाएगा, क्योंकि हमारा मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मन बार बार वही चीजें मांगेगा जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अपनी इमोशनल हेल्थ को इंक्रीज करें। ये मत सोचे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जिसने जो कह दिया उसने वाया वाया कहा। अगर किसी पर्सन ने आपके बारे में कहा ना, उसमें अपनी बात डालकर कही है, वाया वाया कही है, इसको पूरी तरह से सच ना माने इस बात को। और ये मत सोचे ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी मैं खुश रह सकता हूँ। ये ना कटोरा लेकर मांगना बंद कर दे, मुझे प्यार दो, मुझे शांति दो, मुझे खुशी दो, ये मांगना बंद कर दे। खुद अंदर से स्ट्रांग हों, खुद को अच्छी वाइब्स दें। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए स्ट्रांग सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस। थोड़ा सा अपने आप को ना एक समय जरूर लेकर आए, दो चार मिनट अपने लिए आंखें बंद कर अपने अंदर देखें, झांकें कि हम क्या सोचते हैं अपने बारे में। पेरेंट्स बाहर जाते हैं जॉब करने और वहां पर किसी ना किसी से डिस्टरबेंस होती रहती है, उनका माइंड जो है यहाँ से डिस्टर्ब हुआ होता है, उसी डिस्टरबेंस के साथ घर आते हैं। और घर आकर अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, वो डिस्टर्ब बच्चे जो है एक ब्लॉटिंग पेपर होते हैं, वो आपकी वाइब्स को बड़ी जल्दी जो है कैच कर लेते हैं। अगर आप कुछ गलत सोचते हैं, कुछ ऐसा डिस्टर्ब होकर आते हो, तो ये डिस्टर्बेंस आप बच्चों को भी देते हैं। इसलिए अपने आप को हेल्दी बनाएं, इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। और अगर कोई अपने परिवार में कोई बीमार भी है, इमोशनली बीमार है, तो पहले उसे इमोशनली स्ट्रांग करें। यानी किसी को कोई एडिक्शन है शराब की, सिगरेट की, उससे नहीं छूट रही, तो उससे पहले इमोशनली स्ट्रांग बनाए। उसको स्ट्रांग बनाने से पहले खुद को स्ट्रांग बनाए। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाएंगे तभी किसी को वो स्ट्रांग कर सकते हैं। जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो आप किसी को दे नहीं सकते। पहले अपने आप पास वो चीज लेकर आए, फिर किसी को दें। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, एक तो फिजिकल डिपेंडेंसी की बात की एग्जाम्पल देकर, इमोशनल डिपेंडेंसी किन चीजों पर है जिससे हमारी जो है मेंटल पावर जो है डिक्रीज होती है। पहले हम ये वाली जो एडिक्शन है, हमें छोटी छोटी एडिक्शन है, इनको दूर करें, तो फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे से, इससे सारी दुनिया में ये अच्छापन जो है फैल जाएगा, डिपेंडेंसी कम होगी, एडिक्शन कम होगी, और ये जो बुरी आदतें जो हमें घेर रखा है ये सब देखते देखते अपने आप छूट जाएंगी, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।